हेलो गाइस, दिस इज एलीट ट्रेडर्स और आज हम बात करने वाले हैं इस हमले के बाद हुए उन बदलावों की जिनसे भारतीय सेना हमेशा के लिए बदल गई। 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया ने मानो जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। इंडियन आर्मी ने 5 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स, 3 आर्मर्ड डिवीजन और बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान की बॉर्डर पर मूव करना शुरू कर दिया था। एक जंग की शुरुआत का सबसे पहला सिग्नल होता है दुश्मन देश में अपनी एम्बेसी के स्टाफ को वापस बुला लेना, और इंडियन एम्बेसडर को पाकिस्तान से वापस बुलाया जा रहा था। इंडिया ने पाकिस्तान में जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी थी। भारत हमला करना चाहता था। इंडियन एयरफोर्स की नंबर 1 स्क्वाडन ग्वालियर से आदमपुर एयरबेस पहुंच के जंग की तैयारी शुरू कर चुकी थी। स्पेशल फोर्सेज की रेड्स ये इशारा कर रही थी कि इंडिया मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। 14 जनवरी 2002 हमले का दिन फिक्स किया गया था, लेकिन 12 जनवरी को ही पाकिस्तानियों ने भारत के बहुत बड़े हमले से डर के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, और परवेज मुशर्रफ ने एक स्पीच देके अश्योर किया कि वो टेररिस्ट पे एक्शन लेंगे। इस बिल्डअप को ऑपरेशन पराक्रम नाम दिया गया। ऑपरेशन पराक्रम को इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा लेसन माना जाता है, क्योंकि हमने एक महीने से ऊपर लगा दिया था इतने ट्रूप्स को मूव करने में, जिससे पाकिस्तान को काउंटर मोबिलाइजेशन का मौका मिला। इसे एक बड़े गैप की तरह देखा गया इंडियन मिलिट्री के कोऑर्डिनेशन में, पर हम ऐसे मोबिलाइजेशन पहली बार नहीं कर रहे। इसकी तैयारी 1979 में शुरू हो गई थी, जब हमने हमारी इन्फेंट्री को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। 1971 के वॉर हमारी फौज को बहुत बड़े लेसन देके गया था। फिर 1981 से हमने हमारे स्ट्राइक कॉर्प्स और पिवट कॉर्प्स को तैयार करना शुरू किया। स्ट्राइक कोर वो बैटल फॉर्मेशन होती है जो दुश्मन के इलाके में बहुत तेजी से अंदर घुस के बहुत नुकसान पहुंचाती है, और पिवट कोर वो फॉर्मेशन होती है जो स्ट्राइक कोर के जीते हुए दुश्मन के इलाके को कब्जे में रखती है। जब 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो स्ट्राइक कोर जिन्हें बहुत जल्दी से बॉर्डर पे अपनी पोजीशन लेनी थी, उन्हें अपने मोबिलाइजेशन में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग गया, 27 दिन टू बी मोर प्रसाइस, और इससे एक सरप्राइज पुश की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसकी वजह ये भी रही कि इन स्ट्राइक कोर्स के हेडक्वार्टर हमारे देश में बहुत अंदर थे। जैसे 1 स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर मथुरा में था, 2nd स्ट्राइक कोर का अंबाला में, और 21 स्ट्राइक कोर का भोपाल में। वो जो मोबिलाइजेशन आपने देखा वो थी इंडियन आर्मी की सुंदरजी डॉक्ट्रिन, जो कि प्राइमरीली एक डिफेंसिव डॉक्ट्रिन थी, जिसमें स्ट्राइक कोर का रोल था टू काउंटर अटैक। मतलब अटैक होने के बाद जब डिफेंसिव कोर इंडियन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर लें तो उसके बाद पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई करना। पर 2001 में सुंदरजी डॉक्ट्रिन की 5 खामियां सामने आई। पहली तो हम जान ही गए हैं कि दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मोबिलाइज। 2nd, जो फायर पावर थी स्ट्राइक कोर के पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, और जो पिवट कोर थे उनके पास कम, इससे पिवट कोर को ग्राउंड होल्ड करने में दिक्कत जाती। 3rd, स्ट्राइक कोर का साइज बहुत बड़ा था तो वो उसकी एजिलिटी को हैम्पर कर रहा था, और ऐसा देखा गया कि बड़ा साइज होने के कारण स्ट्राइक कोर सिविलियन इलाकों में बहुत तबाही मचा सकते हैं। हिस्ट्री में इंडियन आर्मी को इस चीज का सामना करना पड़ा था इन द बैटल ऑफ डोगराई 1965 के वॉर में, जब दुश्मन सिविलियन इलाकों में छुपना स्टार्ट कर देता है, इससे कैजुअल्टी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं फोर्सेस के भी और सिविलियन पॉपुलेशन के भी। 4th, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन 80s में बनी थी और तब से फॉलो की जा रही है, इस डॉक्ट्रिन में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कोई बहुत ज्यादा काउंटर नहीं था, क्योंकि इसके पहले वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, जिसका रिजल्ट हमें जून 2002 में हुए स्टैंड ऑफ में देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दी और हमें फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। 5th, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन ने पाकिस्तानी इररेगुलर फाइटर्स को अकाउंट में नहीं लिया था, जो रेगुलर के अलावा काफी बड़े नंबर्स में थे, और हिस्ट्री गवाह है कि इररेगुलर फाइटर्स ने हमेशा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम आए हैं, चाहे वो नेपोलियन की आर्मी के हों इन द इन्वेजन ऑफ स्पेन इन 1808, या फिर रशिया का इन 1812, या फिर फ्रेंच और ब्रिटिश रेजिस्टेंस हो इन वर्ल्ड वॉर 2, या पाकिस्तान से लड़े सारे वॉर्स में हमें इस्लामिक टेररिस्ट से लड़ना पड़ा अलोंग विद द पाकिस्तानी आर्मी। दीज आर ऑल द चैलेंजेस फेस्ड बाय द आर्मीज अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम देयर रेगुलर्स ऑफ द नेशन। तो अब इंडियन आर्मी की जरूरत थी इस डॉक्ट्रिन में सुधार करने की, और हमने वो किए। इंडियन आर्मी ने हमेशा से कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को एक मिथ बताया टू कीप इट सीक्रेट और फिजूल की अटेंशन ना ड्रॉ करने के लिए। ये बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार ऑफिशियल के स्टेटमेंट ये इशारा कर रहे थे कि कोल्ड स्टार्ट जैसा कुछ भी नहीं है, पर इस समय कोल्ड स्टार्ट अपना रौद्र रूप ले रही थी। इंडियन आर्मी कंटिन्यूअसली कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का टेस्ट कर रही थी, और जो डॉक्ट्रिन हमने 2002 में देखी उसका एक छोटा सा ट्रेलर इंडियन आर्मी ने 2011 में दिखाया। यहाँ पहली बार नजर आए इंडियन आर्मी के बैटल ग्रुप्स, ऑपरेशन विजय भवा 2011।
इस एक्सरसाइज में 50,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया। इसकी खबर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को पहले दे दी गई थी क्योंकि इंडिया के अगर कुछ जेट्स एक साथ टेक ऑफ कर ले तो GHQ के टॉयलेट्स भर जाते हैं तुरंत। इस एक्सरसाइज के कुछ की हाइलाइट्स थे जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। इट वॉज अ मल्टी सर्विस एक्सरसाइज, मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, एयरफोर्स भी साथ थी और एयरफोर्स ने अपनी कई फाइटिंग असेट्स इसमें यूज की थी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग है। जो मोबिलाइजेशन 2002 में हुआ था उसमें 27 दिन लग गए थे, लेकिन इस मोबिलाइजेशन में सिर्फ 48 आवर्स लगे और इस चीज ने पाकिस्तानियों के कान खड़े कर दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एक्सरसाइज में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एडवांस इमेजिनरी सर्वेलेंस को एक्सटेंसिवली यूज किया गया था, जिसमें इसरो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आया था। ऑपरेशन विजय भव की कामयाबी से ही इंडियन आर्मी के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की नींव पड़ी और अब हमारे बैटल ग्रुप्स और भी ज्यादा सिंक्रोनाइज और फ्लॉलेस हो गए। तो क्या होता है ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स? स्ट्राइक कोर की लैक ऑफ एजिलिटी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए IBGs बनाए गए, जहां एक कोर में 20,000 से 45,000 सोल्जर्स होते हैं, वहीं इन IBGs में 5,000 से 10,000 के बीच सोल्जर सपोर्ट एलिमेंट होंगे, जो न केवल इस फॉर्मेशन को बहुत एजिलिटी प्रोवाइड करेंगे बट ये एक सेल्फ सस्टेन्ड फास्ट मूविंग फाइटिंग यूनिट होगी जिसका डिप्लॉयमेंट सिर्फ 48 आवर्स का बोला जा रहा है फ्रॉम द टाइम ऑब्जेक्टिव बता दिया गया हो इन्हें। इन शॉर्ट, एक बड़ी फाइटिंग यूनिट से बेहतर है 4 छोटी तेज और घातक फाइटिंग यूनिट्स। सो व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट दिस? मैंने कई रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और बाकी चीजें पढ़ी पाकिस्तानी ऑथर्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की। उनका ये मानना है कि इंडिया अपने बैटल ग्रुप्स के थ्रू एक फास्ट मूविंग मल्टी डायमेंशन स्ट्राइक करेगा, या तो पाकिस्तानी जमीन को कब्जे में करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा तबाही मचाने के लिए। जितनी चीजें पब्लिक डोमेन में है उस हिसाब से उनकी टैक्टिक उसी चीजों के रिवॉल्व घूमती दिखती है। फिर जिक्र आ जाता है नस्र मिसाइल का, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है और जो स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। ये एक न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है और इंटरेस्टिंगली इसका डेवलपमेंट भी 2011 में ही शुरू हुआ था ऑपरेशन विजय भव के कंक्लूजन के आसपास। पाकिस्तानीज ने एक्चुअली कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के एक डिसएडवांटेज को यूज करने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू कोल्ड स्टार्ट, अ स्ट्राइक कोर मूव इनसाइड देयर टेरिटरी। एक स्ट्राइक कोर जो एक बहुत बड़ा फाइटिंग फॉर्मेशन होता है और जब वो मूव करता है तो इट कैन बी अ इजी टारगेट, पर पाकिस्तानियों ने इंडिया में हुए पिछले 30 साल के डेवलपमेंट को मानो इग्नोर ही कर दिया हो। हमारे क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटीज, सैटेलाइट रिकॉन कैपेबिलिटीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का पेनिट्रेशन पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में मल्टी फोल्ड बढ़ा है और ये तो कॉमन सेंस है कि कोई भी ग्राउंड पुश आज के टाइम पे बिना एयर सुपीरियोरिटी के हो ही नहीं सकता। सो मोस्ट प्रोबेबली द क्यूट लिटिल डेढ़ पाव का न्यूक्लियर बॉम्ब कभी लॉन्च ही ना हो पाए। बट क्या इनके पास इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को लेके कुछ आंसर है? पहले था, अब आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान एक एक्सरसाइज की काफी प्रैक्टिस कर रहा था जिसका नाम था अज्म ए नौ। ऐसा कहा जाता है कि ये एक्सरसाइज उस टाइम के कोल्ड स्टार्ट पुश को रोकने में सक्षम थी क्योंकि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और बड़े भारी भारी टर्म्स यूज करके उसको डिफाइन किया जाता था। बट बेसिकली वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का एक डिफेंसिव फॉर्मेट थी जिसमें काफी लूपहोल्स थे और अब अगर पाकिस्तानी मिलिट्री खुद को ऑर्गेनाइज कर भी लेती है एज अ डिफेंसिव फोर्स, फिर भी उनके पास फाइट में सस्टेन करने लायक रिसोर्सेज बचे नहीं है। रिसेंट में हुई कॉन्फ्लिक्ट्स में ये चीजें खुले तौर पर सामने आ गई, जैसे LOC पे हुए सीज फायर में एक मेजर कारण ये भी बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानियों पे एम्युनिशन की भारी कमी है। वो इंडिया को प्रोवोक कर देते हैं सीज फायर वायलेशन करके, पर इंडिया का रिटेलिएशन का जवाब नहीं दे पाते। कमिंग बैक टू नस्र, इंडिया के पास ठीक ठाक कंटिजेंसी है टू काउंटर द न्यूक्लियर थ्रेट एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज को 1,000 बार सोचना पड़ेगा मिसाइल लॉन्च करने से पहले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IDSA नस्र एक काउंटर फोर्स कम और काउंटर वैल्यू फोर्स ज्यादा है और गिवन इट्स मैक्सिमम 60 किलोमीटर रेंज जो न्यूक्लियर फॉलआउट होगा उससे वो पाकिस्तान को ज्यादा अफेक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू इंडिया। एंड एनी न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन फोर्सेज और इंडियन सॉइल कैन बी रिस्पॉन्डेड विद फुल फेरोसिटी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल। न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी के अंडर रहता है और वो समझदार है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के रिपरकशंस को समझने के लिए, वो भी अगेंस्ट इंडिया। नाउ द चाइनीज क्वेश्चन, ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, पर क्या हम हमारे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को चाइनीज के खिलाफ यूज कर सकते हैं? वेल, वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग माउंटेन स्ट्राइक कोर्स एंड रिसेंटली एक एक्सरसाइज ने इन 2019 इन अरुणाचल प्रदेश चाइना को काफी अपसेट कर दिया था, विच वॉज कैरिड आउट बाय सेम माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप्स। इंडियन आर्मी ने बहुत ही इनोवेटिव और मॉडर्न तरीके खोज निकाले हैं जो माउंटेन वॉरफेयर में आने वाले कम्युनिकेशन, सर्विलेंस और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो यस, वी कैन यूज द सेम इंटेंसिव फाइटिंग जगरनट ऑफ इंडियन IBGs अगेंस्ट चाइना। इन IBGs को ऑपरेशनल कमांड के एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर कमांड करेंगे।
ये स्ट्राइक और डिफेंस दोनों चीज में कैपेबल होंगे। IBGs ऑफ इंडिया विल बी एबल टू मोबिलाइज विद इन 12 to 48 hours डिपेंडिंग द थ्रेट टेरेन एंड टास्क ऑब्जेक्टिव असाइन टू देम। हर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एक स्पेसिफिक टेरेन और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेंड और इक्विप्ड होंगे। Why this thing is giving me a vibe that India is planning to be an expeditionary force now. But 12 to 14 hours, 5 to 10,000 bandu ko deploy karna in a fighting formation is damn fast, man. These are the context and initial details of IBGs. I will keep you guys updated in future if more details will come out. Till then, share this video if you liked it, subscribe to the channel and be a proud and fearless Indian. Because you got 1.3 million professionally trained men to tackle anything out there for you. जय हिंद।